Hey guys, welcome back to the channel Pro Cyclist 46. This is Ajaz. Guys, आज हम लोग बहुत ही interesting video के साथ आए हैं वापस and this is all about when to change your bicycle chain. कितने distance के बाद, कितने kilometers के बाद आपकी bicycle chain change करना ज़रूरी है and वो कितना important है, क्यों हम chain proper time पे change करना, आज हम लोग ये आपको सब सिखाएंगे. तो यू विल लर्न के कब साइकिल की चेन चेंज करना. सबसे पहले आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि व्हेन योर चेन नीड्स टू बी रिप्लेस, सो दैट इज 2000 माइल्स इन द सेंस 3200 किलोमीटर्स. तो ऑन एन एवरेज कैलकुलेशन हम लोग 3000 किलोमीटर का लेके चलते हैं. तो एवरी 3000 किलोमीटर्स पे आपको चेन चेंज करनी चाहिए. सो देर इज वन टूल दैट इज कॉल्ड अ चेन चेकर, समथिंग लाइक दिस. अलग अलग कंपनीज के अलग अलग, ये सुपर बी का है. तो दिस इंडिकेट्स कि आपकी चेन कितनी बाकी है. सो अगर ये 75% इंडिकेट आपको चेंज कर रहा है, सो इट इज हाईली सजेस्टेड एंड रिकमेंडेड टू रिप्लेस अ चेन. अक्सर लोग अवॉइड करते हैं एंड उसको 100% वेयर आउट तक लेके जाते हैं, मोर देन 100% भी चलाते हैं. उससे नुकसान क्या होता है वो आपको मैं बता रहा हूँ. तो अगर आप मोर देन 75% यूज करते हो तो यू कैन सी ये तीत किस तरह से वेयर आउट हुआ है. तो ये तीत अच्छा है एंड देखो ये तीत वेयर आउट हुआ है, ये तीत वेयर आउट हुआ है, सी ये तीत अच्छा है, ये तीत अच्छा है. तो इस तरह से क्या होता है कि चेन आपका एक कॉक सेट एंड आपका चेन रिंग के तीत को वेयर आउट करना शुरू करते हैं. बिकॉज ऑफ वन सिंगल चेन आपको ये तीनों पार्ट चेंज करने पड़ते हैं. सो डू नॉट अवॉइड व्हेन यू हैव यूजन मोर देन 2500 किलोमीटर्स एंड नियरर टू 3000 किलोमीटर्स. गाइज, ये मैंने आपके लिए एक चेन निकाल के रखी थी. दिस इज एक्चुअली फ्रॉम माई साइकिल इटसेल्फ. तो देखिए ये इस तरह से अगर आप लगाते हो तो ये आपको शो करेगा ऐसा कि कितना वेयर आउट हुआ है आपका चेन रिंग. तो ये दिस इज शोइंग, अगर आप यहाँ देख रहे हो ये पूरा टच हो गया है. तो दिस इज 100% एंड जब ये 75% रहेगा तो ये इस तरह से आपको दिखा रहा है. सो दिस इज द इंडिकेशन लेवल कि आपको चेन अपनी चेंज करनी है. तो मेरे सामने जो भी ये साइकिल है, अगर आप इस चेन की कंडीशन देखोगे बहुत बुरी हो गई है. दिस हैज़ बीन वॉर्ड आउट मोर देन 100%. तो ये मैं आपके सामने चेन चेकर चेक करा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि ये कैसा, मतलब इसका चेन वेयर आउट हुआ है. तो ये देखो, ये यहाँ पे इंडिकेशन आप देखते हो तो ये फुल वेयर आउट हो गया है. तो अवॉइड दिस टाइप. अगर आप इस तरह से करोगे तो यू कैन सी दिस चेन रिंग, इसमें कुछ टीथ्स खराब हुए हैं. देखो यहाँ पे ये टीथ कितना शार्प बन गया है. सो यू कैन सी द शार्प टीथ. बिकॉज ऑफ दिस वन चेन यू हैव टू चेंज दिस कंप्लीट चेन व्हील एंड योर कॉक्सेट. इवन यू कैन सी इन दिस कॉक्सेट ऑल्सो कि यहाँ पे किस तरह से ये है, आपके टीथ कैसे खराब हो रहे हैं. सो गाइज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप अपनी साइकिल की चेन 3000 किलोमीटर्स यूज होने के बाद चेंज करें, अवॉइड ना करें. अवॉइड करने से जो नुकसान होता है उससे बचें. एक छोटा सा आपका एक्सपेंसेस रहता है, उसकी जगह आप काफ़ी बड़ा मेंटेनेंस कॉस्ट लेके आ रहे हो. तो टू अवॉइड अ ह्यूज मेंटेनेंस कॉस्ट यू हैव टू कीप ऑन चेकिंग योर चेन विद दिस चेन चेकर द सर्विस सेंटर यू आर गोइंग.